गुजरात पुलिस के लिए राज्य सरकार ने 550 करोड़ के फंड को मंजूरी दी है। काफी समय से पुलिस कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने यह मांग मान ली है। खुशी की बात है कि पुलिस कर्मियों और परिवारों के बीच माहौल। राज्य सरकार ने आज पुलिस परिवार के हित में एक अहम फैसला लिया है। इस बारे में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, मैं आप सभी को खुशखबरी देने आया हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी जवानों के वेतन में वृद्धि के लिए 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फाइल को आज मंजूरी दे दी है। पुलिस परिवारों के विभिन्न अभ्यावेदन पर विशेष ध्यान दिया गया है। गुजरात पुलिस की वेतन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 28 अगस्त 2021 को एक समिति का गठन किया, जिसके बाद समिति ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। समिति ने 30 अप्रैल 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। सरकार ने गहन विचार विमर्श के बाद पुलिस कर्मियों का वेतन 550 करोड़ रुपए कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी व्यवस्था की है। गृह मंत्री की घोषणा के बाद पुलिस बेड़ा में खुशी का माहौल है। परिवार ने आज अभिनंदन आपको आवियो छु। तमने सब ने खुशी ना समाचार आपको आवियो छु। तमारा सब माटे आजे गुजरात ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेले गुजरात पुलिस ना सौ जवानों ना पगार मा वधारो करता 550 करोड़ थी भी वधारे नी फाइल आज मंजूर करी लीधी छे। કેટલા કરોડ? 550 કરોડ થી વધારેની ફાઇલ મંજૂર કરી છે। કાલે સૌ લોકો દેશમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ જ્યારે મનાવવાના છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યને દેશમાં સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય બનાવવાનો જેને તમામ શ્રેય જાય છે એવા મારા ગુજરાત પોલીસના પરિવારજનોને આજે એમની વિવિધ જે રજૂઆતો હતી એ રજૂઆતો પર ધ્યાન આપીને એનાથી બી વિશેષ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આજે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તારીખ 28-10-2021 ना दिवसे गुजरात पोलिस ना पगार भत्ता माटे एक कमिटी बनावेली। तारीख 28-10-2021 ना आ कमिटी मा गुजरात पोलिस माथी पोलिस महानिरीक्षक ब्रिजेश कुमार झा, नाना विभाग ना खर्च ना सचिव, નાયબ સચિવ જીએડી, નાયબ સચિવ ગૃહ વિભાગ અને મુખ્ય હિસાબી અધિકારી ડીજીપી શાખા, આવા તમામ લોકોની સાથે એક કમિટી બનાવવામાં આવી અને એ કમિટીએ અલગ અલગ વિભાગની બેઠકો કરી અને આ બેઠકો 3-11-2021 થી શરૂઆત થઈ। गांधीनगर विभाग की बैठक 3-11-2021 ना थई, ज्या बैठक में 44 जेटला पोलिस कर्मचारी हाजर था। अमदावाद विभाग में 10-11-2021 में आ बैठक थई, ज्या 40 जेटला पोलिस विभाग ना अधिकारी हाजर था। सूरत विभाग में 23 डिसेम्बर 2021 में बैठक थी, जहां पुलिस विभाग ना कर्मचारियों ना प्रतिनिधियों 39 जिकला हाजर रहेला। वडोदरा विभाग में आ बैठक 15-3-2022 ना थी, जहां 63 जिकला कर्मचारी प्रतिनिधियों हाजर रहेला। अने राजकोट विभाग में
19/3/2022 ना बैठक थई ज्यां 64 जेटला कर्मचारी प्रतिनिधिओ हाजर रहेला। आ तमाम बैठकोना अंतमां विभागनी अनेक बैठको मळी अने ए बैठको बाद जे कमिटी बनावेली हती ए कमिटीए गृह विभाग ने तारीख 30/4/2022 ना એમનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો। આ રિપોર્ટ રજૂ થયા પછી અહેવાલના વિવિધ પાસાઓની ચર્ચા અને તેને આખરી ઓપ આપવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પોતે એમના અધ્યક્ષસ્થાનમાં બે બેઠકનું આયોજન થયું, નાણા મંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાનમાં એક બેઠકનું આયોજન થયું, ગૃહમંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાનમાં 8 બેઠકોનું આયોજન થયું, અધિક મુખ્ય સચિવે કુલ 3 બેઠકો કરી, પોલીસ ભવનની અંદર આની વિવિધ બેઠકો થઈ અને બેઠકોની બાદ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કર્યા પછી 550 કરોડ રૂપિયા પોલીસ વિભાગના વિવિધ વર્ગોની ફરજ બજાવતા અધિકારીઓના પગારમાં કઈ રીતે વધારો થઈ શકે તેની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે।